नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है कानपुर देहात से। चुनाव नजदीक आते ही शुरू हुई गांव में राजनीति। रंगारंग कार्यक्रम में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। सार्वजनिक कार्यक्रम की रोक के बाद भी कानपुर देहात में लगातार हो रहे हैं सार्वजनिक कार्यक्रम। दबंग कोटेदार मूलचंद्र ने बिना परमिशन किया रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। दबंग कोटेदार ने रंगारंग कार्यक्रम देखने आए परोली गांव के लोगों के साथ की मारपीट। मारपीट का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। मंगलपुर थाना क्षेत्र के भूटा गांव का है पूरा मामला। सुमन कहाँ रहती हैं? परावली। क्या घटना हुई थी? वहाँ रंगारंग प्रोग्राम था, बिन परमिशन के करवाया गया। वहाँ हमारा बच्चा देखने गया और वहाँ वो दारू पिए थे सब लोग। मूलचंद कुशवाहा। क्या नाम है आपके बच्चे का? शिवा। किस गांव में हो रहा था रंगारंग? भूठा। फिर क्या हुआ आगे? फिर वहाँ उन्होंने दारू पी रखी थी जो रंगारंग करवा रहे थे, और वो अपना दारू पी के गाली देने लगे। ये लोग कहने लगे गाली मत दो, तो वो मारपीट करने लगे। बहुत भयंकर मारपीट किया, बेरहमी से मारा, बेहोश हो गया। फिर गांव के लोग यहां से लाद के ले गए वहां डेरापुर अस्पताल में, वहां मना कर दिया। फिर अनंतराज हॉस्पिटल में ले गए। कितने लोगों ने मारपीट किया आपके साथ? चार लोग। अच्छा, मारपीट के बाद फिर आपने FIR दर्ज करवाई? हाँ किया वहाँ FIR। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई? कुछ भी नहीं किया। 200 चक्कर थाने के और हर जगह घूम रही हूँ, कुछ भी नहीं किया कार्रवाई। आप क्या चाहते हैं? हमें न्याय चाहिए। ठीक।